हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल में। आज हम लोग पाइथन का पूरा सेटअप करके हम लोग अपने वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे और पाइथन इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पास सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड। वीएस कोड डाउनलोड सर्च करना है और इसकी पहले ही साइट आ जाएगी आप लोग को। इस पर क्लिक कर देना है, साइट भी देख लेना आप लोग को। इसी साइट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग का जैसे 32 बिट का है तो 32 बिट के लिए आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, और 64 बिट का है तो 64 बिट का इंस्टॉल कर। आपको जाना है अपने कंप्यूटर में, इस पीसी पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है, और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम टाइप दिख जाएगा। मेरा 64 बिट का है तो मेरा 64 बिट के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप लोग का 32 बिट का होगा तो 32 बिट के लिए आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 64 बिट के लिए है तो 64 बिट के लिए इंस्टॉल कीजिए, 32 बिट के लिए है तो 32 बिट के लिए इंस्टॉल। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका ये डाउनलोड होने लगेगा, और इसको डाउनलोड हो जाने दीजिएगा पूरा। और अब इसको काट के मैं यहाँ पास सर्च करना है आप लोगों को पाइथन डाउनलोड। जैसे ही आप लोग पाइथन डाउनलोड सर्च करेंगे वैसे ही python.org की पहली लिंक आ जाएगी। इस पर क्लिक करना और सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पाइथन 2.10.2 वर्जन आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को इसको ओपन फाइल कर लेना है। यहाँ पास मैं पहले वीएस कोड को ओपन कर रहा हूँ। ओपन फाइल करूँगा मैं पहले, और इसको पढ़ लेना आप लोगों को, पढ़ें ऐसे ही। और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और ये चारों ऑप्शनों को टिक कर देना है ज़रूर से ज़रूर। फिर सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसको काट दें। अब मेरा इंस्टॉल है तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। आप लोग इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिएगा। अब आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड पर जाना। डाउनलोड पर जाने के बाद आप लोग को पाइथन की फाइल को ओपन करना है। अब इसको जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो ये मेरा अंश पूरा बता रहा है, मतलब मेरे पहले से डाउनलोड है, इसलिए रिपेयर मॉडिफाई इंस्टॉल पर आप लोग का यहाँ पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। और नीचे सबसे नीचे आ जाएंगे आप लोग तो यहाँ पास दो ऑप्शन दिखेंगे, ऐड टू पॉथ का एक और इंस्टॉल का। तो दोनों ऑप्शनों को टिक कर देना आप लोग को और सिंपली इंस्टॉल पर बटन पर क्लिक कर देना। दोनों ऑप्शनों को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं फिर ये आपका इंस्टॉल नहीं होगा। और सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरा ये इंस्टॉल है इसलिए बता रहा है। अब आप लोग को पूरा ये सेटअप हो चुका है। अब आप लोग को ही चेक करना है कि मेरा पाइथन डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पावर सेल अपना खोलना है, यहाँ पास सर्च करना है पावर सेल। जैसे लिखेंगे हम लोग वो पावर सेल आ जाएगा, और इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे और इसमें हम लोग पाइथन लिखेंगे और इंटर कर देंगे। सबसे पहले पाइथन लिखेंगे हम लोग, पाइथन और इंटर कर देंगे। जैसे ही पाइथन लिखकर इंटर करेंगे वैसे ये बता देगा, ये देखो पाइथन 3.10.2 वर्जन आप लोग का बता देगा। और ये देखो अब ये पूरा सेटअप हम लोग का तैयार हो चुका है। आपका कोई भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग बता देना मुझे पूरे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा उसका। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ये पूरा मेरा टर्टल ग्राफिक्स का जो ट्यूटोरियल चल रहा है उसी का ये भाग है। मैं पूरा वीएस कोड इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, वीएस कोड और पाइथन का पूरा सेटअप। नहीं हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल में। आज हम लोग पाइथन का पूरा सेटअप करके हम लोग अपने वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे।